हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज बिल स्पीकिंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस्मान खान और उस्मान और आमना उस्मान की। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही दिन पहले एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल हुआ जो कि टॉप ट्विटर ट्रेंड में रहा, यूट्यूब में हर जगह जो है उस्मान खान और उस्मान की रही। यार एक तो पहले तो मेरे ये पाकिस्तानी कौम की समझ नहीं आती यार, कभी उस्मान खान ट्रेंड पर जाती है, कभी कर्नल की बेबी ट्रेंड पर जाती है, मतलब मजाक बना रहा है। उस्मान खान जो है एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं और एक वो फैशन मॉडल हैं। जी हाँ दोस्तों, उस्मान खान ने जितनी आसानी से ये उस्मान के साथ जो अपना रिलेशनशिप जो बयान किया ना इस उर्दू पॉइंट के इंटरव्यू में, मतलब यार मैं तो मतलब हैरत के समंदर में 3000 फीट गहराई में गोता लगा के वापस निकल आया हूँ भाई। मतलब यानी मजाक यार, अभी पाकिस्तान है यार, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है भाई, इतनी लिबरल स्टेट नहीं है कि आपने इतनी आसानी से कह दिया यार एक शादीशुदा मर्द के साथ आप पिछले 2 सालों से आप रिलेशन में थी। इस पूरे सिनेरियो में अचानक जो है आमना उस्मान जो है उसको उन पे शक हो जाता है और वो मलिक रियाज की बेटी के साथ वहाँ पे एंट्री मारती है और जो ना धावा बोल देती है और तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है। अपना उस्मान भाई जो है जो ना हीरो बन के उस्मान खान के सामने जो है छाती तान के खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब बीवी की थप्पड़ों की भरमार होती है तो वो जो ना साइड पे हो जाते हैं और उनके बस में कुछ नहीं रहता। आमना उस्मान जो है उनका बिल्कुल हक है भाई, यहाँ पे कोई भी हो, कोई भी मर्द अपनी बीवी को किसी के साथ देखे या कोई बीवी अपने शोहर को किसी के साथ देखे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई। यही तो एक चीज़ है जिसपे अपना पूरा हक होता है यार, इंसान को भाई पूरा हक होता है इसके ऊपर। अब यहाँ पे बीच में आ जाते हैं मलिक रियाज साहब की बेटियां। जी हाँ, तो मलिक रियाज साहब की बेटियों को शायद लाने का मकसद ये था कि उनका जो केस है ना वो ज्यादा वजनी बने भाई, कल कुछ अगर मसला हो जाए, कोई रोला हो जाए तो भाई को पैसा शैसा भी देना होता है, जाहिर है मतलब कोई ना कुछ मामला तो जो है ना निपटाना होता है ना, तो फिर इसीलिए भाई हर बंदा कोशिश करता है कि कोई ना कोई पावरफुल बंदा जो है उसके पीछे खड़ा हो। हसन नियाज़ी जो है उनके हसन नियाज़ी जो है वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे हैं और ये काफी दिलेर इंसान है, ये उन्होंने बड़ा डट के उनका मुकाबला किया, लेकिन अब बातें जो है ना पता चल रही है कि 10-15 करोड़ में जो है ना ये डील हो रही है और ये मामला जो है निपटाया जा रहा है। तो दोस्तों देखें, इस तरह के जो स्कैंडल्स है ना उसमें अक्सर जो है ना बंदे को ना इधर का ना उधर का, मतलब दरमियान न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि अब देखें ये वकार जका ने बड़ी आवाज़ें उठाई हुई यूट्यूब में, हसन नियाज़ी ने जो है बड़ी आवाज़ उठाई, बड़े डटे रहे, लेकिन क्या फ़ायदा, मतलब आखिर में जाके उन्होंने कोई पैसे जैसे ले दे के मामला रफा दफा किया, ये तो फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस सारी सुरधाल में एक बात यहाँ पे और इंटरेस्टिंग है भाई, जब उस्मान खान और हुमा खान जो उन्होंने जब उस्मान की बीवी आमना को जब आंटी बोला ना तो मजीद मतलब बरस पड़ी, मतलब यानी यार इतनी छोटी सी वो यंग है और उनको आंटी जब बोला गया तो फिर जाहिर है ये तो भाई गुस्सा तो आ जाना था, फिर आग तो उनको मजीद आग लग गई और उन्होंने फिर मजीद जो ना उन पर दबरदूस करना शुरू कर दिया। दोस्तों आप सबको इस छोटे भाई की नसीहत जान लें या वसीयत जान लें भाई, ये इस तरह के स्कैंडल्स ना क्या करें भाई, अपनी बीवी के साथ या अपने शोहर के साथ पूरे सेंसियर रहें और उसी इस ये कितना प्यारा रिश्ता है ना अगर आप इसको समझें तो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब जो है ना इस तरह के जो वाकयात होते हैं इनसे सबक लेंगे और अपनी जिंदगी जो है खुशी खुशी बसर करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब के इस लाल बटन को एक थप्पड़ मार के इसको सफ़ेद कर दें ताकि आपके भाई के भी सफ़ेद दिन आ जाए।